सतीश आई आई खुश रहे। बात क्या है सतीश, तेरी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? कोई प्रॉब्लम है क्या? आइए एक मिनट आप बैठो। क्या बात है सतीश, मुझे पता ना सतीश। आप बैठो तो। क्या बात है? बैठो। आई मैं जो भी कह रहा हूँ उसे आप शांति सुनो। मुझे पता ना क्या बात है, मुझे घबराहट हो रही है। आई यहाँ पर मेरी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उधर ताई की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मतलब? अश्विन जीजू के खिलाफ सबूत मिले हैं। इसका मतलब रिमला यहाँ आई हुई है, मुझे उसे जाके मिलना होगा। सतीश आप बैठो तो। नहीं सतीश, इस वक्त ताई बहुत अपसेट है, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ देर के लिए अकेले छोड़ना चाहिए। वैसे भी भाई यहाँ पर कोई और भी है जो कि आपके आने का इंतजार कर रही है, जो कि अब निर्दोष भी साबित हो चुकी है। नहीं सतीश, पहले मैं उर्मिला से बात करूंगी, उसके बाद ही मैं। मतलब आपको अपने पति अपनी बेटे की बातों पर विश्वास नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। रिश्ते क्या होते हैं ये मैंने आपसे जाना है, उन्हें कैसे निभाया जाता है ये मैंने आपसे सीखा। अगर आज मैं इस बारे में कुछ कहता हूँ आपसे तो वो सही नहीं होगा, लेकिन बेटा होने के नाते मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस बात को और ज्यादा मत उलझाइए। वर्षा के लिए इतना अविश्वास ठीक नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके विश्वास की भी वो कदर ना करे। भावना, सतीश ठीक कह रहा है, तुम्हें एक बार वर्षा से जाके बात करनी चाहिए। मुझे सतीश ने सब कुछ बता दिया। I'm really sorry. मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। अश्विन पे मैंने जरूरत से ज्यादा यकीन किया। ऐसा हो जाता है वर्षा, कुछ लोगों को पहचानने में हम गलती कर देते हैं। और मेरे साथ भी वही हुआ, मैंने भी गलती करी, बहुत बड़ी गलती करी। सच्चाई को एक ना एक दिन सबके सामने आना ही था, सो वो आ गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। उर्मिला
बार मुझे नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाने दे, फिर इस घर में पैसे देना न देना और कितने पैसे देना ये सब जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूंगी। आई तेरी विनोद दादा से कुछ बात हुई क्या इस बारे में? वही वो फ्लैट के बारे में, मेरा मतलब है वो शिफ्ट कर भी रहे हैं या नहीं? विनोद ने तो इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मंजू ये सब करवा के रहेगी और मुझे नहीं लगता कि विनोद भी यहाँ रहना चाहता है। आई तो हाँ सच कह रही हूँ, अगर विनोद ने यहाँ रहने की जिद की ना तो मंजू इतना बड़ा तमाशा करेगी ना, मुझे तो सोचकर भी डर लगता है। सच कहूं एक ही घर में रहकर एक दूसरे के दुश्मन बनने से अच्छा है कि जरा दूर रहे लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहे। आई वो कल, कल क्या? नहीं आई, बस कुछ बात मेरे दिमाग में आई थी मैं भूल गई। वर्षा को लेकर? हाँ आई, देखना अच्छा हुआ कि वर्षा ही शक के घेरे से जल्द बाहर आ गई, वरना बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है ना। वैशु क्या हुआ, इतनी गुस्सा क्यों है? पता नहीं लोग इतने बदतमीज क्यों होते हैं। अरे लेकिन वो ये लड़की भी ना। अच्छा आई मैं पुन्नी को लेने निकलती हूँ, आज विनोद दादा ऑफिस से लेट आने वाले तो उन्होंने मुझे कहा था लेने के। ठीक है। मुझे उर्मी से बात करनी। देखो इस समय उर्मिला कुछ भी कहने सुनने की अवस्था में नहीं है, अच्छा होगा कि तुम उससे इस समय ना मिलो। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है काका, प्लीज। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। आई डोंट नो कि मैं तुमसे किस मुंह से माफी भी मांगू। आई हैव डन सम टेरिबल मिस्टेक, मुझे माफ कर दो। और मैं तुम्हारे घर से आने के बाद आई डू रियलाइज कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। आई लव यू उर्मी। बस अश्विन मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं। वर्षा को अश्विन के शादीशुदा होने के बारे में कुछ पता नहीं था, ये उसे धोखा दे रहा था और जब मैंने उसकी सच्चाई बताई तो उसी समय उसने रिश्ता तोड़ दिया। हमें तो शादी के दिन ही पता चला कि अश्विन आपका दामाद है, फिर हमने सोचा कि अगर हम अश्विन के खिलाफ आपको कुछ भी बता दे तो आपको बहुत तकलीफ होगी और इसीलिए हम चुप रहे। ये जो तुम्हारी झूठी कहानी है ना, इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। हिम्मत है ना तो बता तो सबको सच्चाई, पता चलने दो तुम्हारी बीवी को तुम्हारा असली रूप क्या है। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, बेहतर होगा तुम चले जाओ यहाँ से। उर्मी ऐसा मत करो अश्विन, बहुत हो चुका, बंद करो ये नौटंकी। मन तो कर रहा है तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूं, लेकिन अफसोस तुम उस थप्पड़ के लायक भी नहीं। किस अधिकार से तुम उर्मिला को लेने आए हो? अरे झूठेपन की मकारी की सारी हदें तो तुमने पार कर दी हैं। क्यों आए हो यहाँ पे ढोंग दिखाने? तुम्हारी वजह से, अरे तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे और
बहू को झूठा ठहराया। तुम्हारी वजह से मैंने सुलोचना ताई माना वर्षा जैसे लोगों को क्या नहीं कहा। तुम्हारी वजह से अश्विन, तुम्हारी वजह से अरे मैं अपना घर तक तोड़ने को तैयार हो गई और तुमने मुझे ये सिला दिया। क्यों ऐसा सुलूक किया तुमने उर्मिला के साथ? क्यों क्यों इतना नीचे गिर गए तुम? क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? और क्या निकले? बस बहुत हो चुका, चले जाओ घर से बाहर। मैं एक पल के लिए भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माने वक्त अब यहाँ क्यों? कुछ परेशानी है क्या? माने मैं सोच रही थी मैं आपको फोन करूं, लेकिन फिर मुझे लगा पहले ही आपकी जिंदगी में इतनी सारी परेशानी उसके ऊपर से मैं। तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? हमने क्या तय किया था पहले? चाहे हमारा रिश्ता रहे ना रहे, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। तुम एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी हर तकलीफ मेरी तकलीफ, और तुम अपना कोई भी दर्द मुझसे बांट सकती हो। बताओ क्या बात है? मानव को मैंने मंजू बहनी को उनके आई से बात करते हुए सुना। मानव अगर मंजू वहिनी ने पैसे की कटौती करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? मानव बाबा की पेंशन बंद हो चुकी, उनका केस चल रहा है कोर्ट में, उनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी, लेकिन वैश्य की शादी भी तो है। मानव कैसे होगा, क्या होगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कल मैं तुम्हारे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कहूँ तो तुम्हें मंजूर होगा? मुझे पता था तुम कोई जॉब क्यों नहीं करते, अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई जॉब ढूंढो। हाँ मानव, ये मैंने सोचा ही नहीं। तुम कभी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते। मानव आपकी जॉब, मेरा मतलब है आप अच्छी जॉब कर रहे हैं या वही पार्ट टाइम वाला? अभी भी वही कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा जॉब ढूंढ रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं रहा। जिम्मेदारी बढ़ गई है और ऊपर से ये शादी। अभी तुम्हारा स्टेशन आ गया,
महाराज हो ना मुझसे? कितने दिनों बाद मिल रही हूँ ना तुम्हें? क्या करूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, वो सब अर्चना की गलती है। हाँ, हमारा सारा प्यार उसने अपनी तरफ खींच लिया और तुम्हें ऐसा ही लॉकर में मेरा इंतजार करते करते रहना पड़ा, है ना? लेकिन आज मुझे पता चल गया है, हम एक दूजे के लिए बने हैं। हाँ, अब मैं इतना प्यार बरसाऊंगी, तुम भी इसी तरह बने रहना। हाँ, मेरे होके अर्चना की तरह बीच में छोड़ के मत जाना। हमारे घर में ना किसी को कदर नहीं है, ना मेरे बेटे को, ना वो श्रावणी को। कितने दिलों बाद गले मिल रहे हैं ना हम। आज मुझे चैन मिल गया। एक बात कहूं, तुम आई से बात क्यों नहीं कर रही हो? अब तो उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि गलती मान लेने से पिछला सब कुछ खत्म हो जाएगा? हाँ, नहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन एक नई शुरुआत तो हो सकती है। मुश्किल है वर्षा। देखो सतीश, मैं अर्चुता ही नहीं, मैं एक साधारण लड़की हूँ। अगर कोई मेरा दिल दुखाता है ना, तो वो बात मेरे दिल में रह जाती है। वर्षा, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ। सतीश, अगर तुम्हारी आई ने सिर्फ मेरा दिल दुखाया होता या फिर मेरे साथ बुरा बर्ताव किया होता ना, तो शायद मैं सब कुछ भूल भी जाती। लेकिन मेरी आई, मेरे बाबा, ताई, जीजू, इनके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आज भी तुम्हारी आई मेरे आंखों के सामने आती है तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। जिस तरह से तुम्हारी आई ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें भला बुरा कहा, उनका इंसल्ट किया, इतनी जल्दी मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। आई होप तुम मेरी बात समझ पाओगे। दामोदर, सोच रहा हूं मैं वापस गांव चला जाऊं। दादा? हाँ दामोदर। दामोदर, पता है घर में सबसे बड़ा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है। ना किसी को आंसू दिखा सकते हो, ना किसी को अपना दुख बांट सकते हो। बस अपने बड़प्पन का बोझ अपने कंधे पर उठाकर सबको संभालना पड़ता है। लेकिन दादा, बोलने दे दामोदर, बोलने दे। बहुत हिम्मत जुटाकर आज तेरे सामने अपना मन हल्का कर रहा हूं दामोदर। मैं वो पहला इंसान था जिसके सामने मानव ने अर्चना पर अपना प्यार जाहिर किया था। उस वक्त से लेकर आज तक मैं उन दोनों के प्यार का साक्षी हूं दामोदर। मानव और अर्चना का अलग होना तो मैंने जैसे तैसे देख लिया दामोदर, लेकिन मानव की श्रावणी के साथ शादी मैं नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा मैं। जाने दो मुझे दामोदर, जाने दो मुझे। दादा, लेकिन आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा यहाँ दुखड़ा कौन सुनेगा? एक आप ही हो जो मुझे समझ भी सकते हो और समझा भी सकते हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता मानव और श्रावणी की शादी रुक जाए और अर्चना और मानव एक हो जाए? नहीं दामोदर, नहीं। हमें जो जो करना चाहिए था हम सब कर चुके हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है हमने। जब तक मानव और अर्चना का तलाक नहीं हुआ था, तब तक मैं खुद भी उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अब तो कानूनन उन दोनों का तलाक हो चुका है दामोदर। फिर भी मुझे लगता है कि मानव और श्रावणी की शादी रुकेगी, जरूर रुकेगी।
बाबा।